अवलंब तो ये है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, वो उनका अपना जाती मामला है जी, और किसी भी मसले में जब तक इस्तिफसार ना हो या उसकी जरूरत ना हो, हाँ उस वक्त उस पर खामोश अख्तियार करना चाहिए। बहुत सारी चीजें, हाँ हालात के तकाजे और बहुत सारी चीजें होती हैं मजबूरी में जी, जी, जी। और किन जरूरत में आदमी ऐसा करता है, जी वो हुक्म जो है जब तक मुकम्मल तौर पर हालात और दुरुस्त तमाम चीजों के बारे में नहीं होता है, खामखा किसी चीज के ऊपर जो हुक्म लगाना वो दुरुस्त नहीं है। नहीं तो एक बंदे ने उनके खिलाफ तहरीर लिख दिया, अलहदीस बंदा बनता है और उसने तहरीर लिख दिया सलमान के ताल्लुक से, और बहुत ही गंदी जबान में तहरीर लिखा, मैं आपको तहरीर भी भेजता हूँ, और बड़े खड़े अंदाज में, बदतमीजी वाले अंदाज में वो होगा कहीं का हाकिम, हमारा हाकिम नहीं है, हमारा हाकिम तो नरेंद्र मोदी करके लिखा। तो इस तरह किसी मुसलमान, भले वो अपने पूरे दुनिया के हाकिम नहीं है लेकिन अरब कंट्री के तो हाकिम है, तो किसी मुसलमान मुल्क के हाकिम पर इस तरह तनकीद करना, ये मनहज सलफ है या इख्वानियत है? नहीं नहीं नहीं, सलफ देखिए, सलफ का जो मनहज रहा है, हमारे असलाफ इन सब चीज़ों में बहुत एहतियात करते थे जी, हाँ और हम सबको भी एहतियात करना ही चाहिए जो जी। हाकिम के ताल्लुक से एक तो अपना हाकिम होता है, एक किसी का हाकिम है जो है जी, हाँ तो खुरूज तो उस पर इस्लाम में मना है किसी भी तौर से जो है जी जी, वो तो हाकिम है किसी, हम अपने में से किसी एक के बारे में कुछ कहना जो है, हाँ कहाँ तक उसकी इजाजत है। मिसाल के तौर पर किसी को हम अपने शहर में देखने बुरा करता हुआ, हाँ तो क्या है? हमें हक बनता है कि उसको बुरा करता हमने देखा तो हम दूसरे को बयान करें? जी जी नहीं, हक है हमें बनता है, हमें ज्यादा, हमारा सबसे पहला हक क्या है, सबसे पहला हक हमारा ये है कि अगर उससे गलती सरजद हुई तो हम जा करके उसको समझा दें, ये हमारा सबसे पहला हक है। बिल्कुल, अब हम जो है वो हक ना अदा करके उसको सोशल मीडिया पर डालें, उसको सोशल मीडिया पर डालें, ये इन الذين يحبون ان تشل فاحشة الذين امنوا के जुमरे में आता है जी, हाँ कि जो फाइश चीज को बुराई हो गई समाज में, वहाँ पर किसी से जिना हो गया, अरे फुला मौलवी साहब से ऐसा हो गया, फुला मस्जिद में ऐसा हो गया, फुला ने ऐसा कर दिया, फुला हाकिम ने कर दिया, ये सब उसी जुमरे में आता है, लोग इसको समझते हैं कि हम गुनहगार नहीं हो रहे हैं, हालांकि ये गुनाह का काम जी जी, वही तो इख्वानियत की झलक है ना, ये तो खास तौर से जाहिर सी बात है, इस्लामियत की बातें जो है वो इख्वानियत क्या कहेंगे उसको जो है, ये मनाज जी हाँ ये दीन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और फिर अब जैसे शाह सलमान का जो वीडियो आया, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आजकल फोटोशॉप का बहुत कमाल होता है, किसी की वीडियो किसी पे चिपका कर, किसी का फोटो, अब किसी ने इस तरह वीडियो एडिट करके बना लिया हो कि शाह सलमान किसी, हो सकता है मर्द से हाथ मिला रहे हो, लेकिन उन्होंने ऐसा बना के पेश किया कि औरत से हाथ मिला रहे हैं, तो हम बिना तहकीक किए एकदम फौरन उस पर तहरीर लिखने बैठ जाए इल्म झाड़ने के लिए, हमें तहरीर लिखने की सही इजाजत दी है जी 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 जी, वो मिलाया ना मिलाया वो अलग बात है, हमको हमको यह हक पहुँचता है, और तुम तो आलिम भी नहीं हो, कोई आलिम ने आके इसका रद्द नहीं किया, आपको क्या कौनदार से मुतालबा किया गया है जी जी जी। अच्छा वही बंदे ने जब ये तहरीर लिखा मेरे पास आई तो उसने लिखा कि श्री नरेंद्र मोदी हमारे हाकिम है, शाह सलमान हमारा हाकिम, मोहम्मद बिन सलमान हमारा हाकिम नहीं है, तो मैंने उसको एक काफिर को यानी तुम अपना हाकिम मानने पर रजामंद है और एक मुसलमान को जो है रजामंद नहीं हो रहे हो, ये कितनी बड़ी मनजी गलती है, शिर्क आपके लिए गवारा है और इसमें जो है गवारा नहीं है जी जी। अच्छा फिर मैंने क्या किया शेख कि मेरे पास एक योगी आदित्यनाथ की वीडियो थी जिसके रद्द में मैंने जुमा के दो खुतबे दिया कि क्या कयामत नहीं आएगी, योगी आदित्यनाथ संसद में बोल रहे हैं कि कयामत कभी नहीं आएगी और उसका मजाक उड़ा रहे, तो मैंने उसको भेजा, मैंने कहा तूने शाह सलमान ने हाथ मिला लिया, तूने इतना बवाल किया, अब मैंने तेरा ही हाकिम, तू तो बोले ना नरेंद्र मोदी हाकिम है, तो यूपी का है, तो यूपी का तो ये तेरा हाकिम हुआ, तो अब ये तो नबी का इनकार कर रहा है, कयामत का इनकार कर रहा है, अल्लाह के नबी और कयामत तो बिल्कुल दो उंगलियों की तरह है जुड़े हुए, अल्लाह के नबी ने कहा, तो मैंने ये तो नबूवत का और कयामत दोनों का इनकार कर रहा है, तो तू इसका रद्द कब करेगा, तो उसकी जबान बंद है कलम बंद है जी जी।